जांच भी नहीं कराया उसको पॉजिटिव आ जा रहा है, जो जांच ही नहीं कराया अब तक, और जो जांच कराया उसका रिपोर्ट ही नहीं आ रहा। ये तो अद्भुत है, केंद्र सरकार का कुछ और आंकड़ा है, अब बिहार सरकार का कुछ और आंकड़ा। अस्पताल में देखिए क्या डीएम एसपी को भर्ती कराने में कोई मदद कर रहा है लोगों के इलाज के लिए, मदद कर रहा है कोई? लोग मर रहे हैं, थोड़ा सा भी लोगों का दिल नहीं पिघलता है? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में इस तरह से लगातार सियासत हो रही है, आपको पता है जेडीयू वर्चुअल तकनीक का इस्तेमाल करके संवाद करिए अपने लोगों के साथ, विधानसभा स्तर तक जेडीयू जा रही है। ऐसे में बिहार में इस तरीके से वैश्विक महामारी कोरोना ने भी अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है, आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंता में डाल रहे हैं लोगों को। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव जरूरी है क्या, और खास करके बात अगर हम एनडीए की करें तो एनडीए में चिराग पासवान के भी जो बयान है नेता प्रतिपक्ष से काफ़ी मिल रहे हैं। हॉस्पिटल्स के बद इंतजाम दिखाते दिखाते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जब फेसबुक है वो पूरा भरा रहता है, फिर भी जेडीयू के लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। देखिए, रैली कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, इनको लोगों की जान की चिंता नहीं, इनको अपनी कुर्सी की चिंता है। नीतीश कुमार जी 7 तारीख को आ जाएंगे लोगों के सामने वोट मांगने, लेकिन लोगों से दुख दर्द को दूर नहीं करेंगे, लोगों की परेशानियों को नहीं दूर करेंगे। आज बिहार मर रहा है, हाहाकार मचा हुआ है, ग्लोबल आपका हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, आपकी इंतज़ाम नहीं है, आप गायब हैं। ये डिजिटली का इस्तेमाल बेहतर होता ना कि लोगों की जान बचाने में करते, कोरोना से लड़ाई लड़ने में करते, अस्पताल को बेहतर बनाने में करते, टेस्ट की संख्या बढ़वाने में करते। यह आंकड़ा जो है अद्भुत है। नहीं तो मुख्यमंत्री की रिपोर्ट पर क्यों संदेह हो रहा है आपको? मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कितने घंटे में आया? 2 घंटे में? 2 से 2.5 घंटे? 2 से 2.5 घंटे में आया। आम लोगों का, जो लोग मेरा आम लोग छोड़ी ना, MLA MLC जो हमारे पार्टी के हैं उन्हीं का रिपोर्ट नहीं आया 19 दिन से? क्या कोई अलग चीज़ है क्या? मुख्यमंत्री के लिए विशेष है और आम लोगों के लिए अलग है? और ऐसे ऐसे आंकड़े आ रहे हैं, जिसने जांच भी नहीं कराया उसको पॉजिटिव आ जा रहा है, जो जांच ही नहीं कराया अब तक, और जो जांच कराया उसका रिपोर्ट ही नहीं आ रहा। ये तो अद्भुत है, केंद्र सरकार का कुछ और आंकड़ा है, अब बिहार सरकार का कुछ और आंकड़ा मरने वालों की संख्या में। नहीं, एनडीए का चिराग तो उन्हें उजाला दिखा रहा है, लेकिन क्या फिर भी वो अभी अंधकार में ही है? देखिए, बुरे वक्त में सब लोगों को मिलजुल करके एक इंसानियत के नाते लोगों की जान बचानी चाहिए, लेकिन सरकार कहाँ नज़र आ रही? EVM मशीन पर खड़ी है, EVM मशीन पर खड़ी है। अस्पताल में देखिए क्या DM SP को भर्ती कराने में कोई मदद कर रहा है लोगों के इलाज के लिए? मदद कर रहा है कोई? लोग मर रहे हैं, थोड़ा सा भी लोगों का दिल नहीं पिघलता है? और जो कर्मचारी पॉजिटिव हो रहे हैं, EVM पकड़े हुए हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो जिनकी मौत हुई है, सरकार क्या करेगी उन कर्मचारियों के लिए? वो जान पे खेल रहे हैं, EVM में लगे हुए हैं। अरे, लोगों की जान बचाइए, अस्पताल के बाहर जाके देखिए क्या स्थिति बनी हुई है, अस्पतालों में लाइन लगा हुआ है, अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई हाइजीन व्यवस्था नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, बेड नहीं है, ये नहीं है, बेड हो गया तो खाली है, एम्स में VIP लोग के लिए है, आम लोग कहाँ जा पा रहे हैं? आखिरी सवाल, सत्ताधारी दल कह रहा है कि तेजस्वी यादव निगेटिविटी फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। हम तो नहीं डराएंगे, डराने वाला तो नीति आयोग है कि डरा दिया कि बिहार जो है सबसे फिसड्डी राज्य है चिकित्सा के मामले में। नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़े होंगे ना, NHRM का रिपोर्ट पढ़े होंगे ना, यूनिसेफ का रिपोर्ट पढ़े होंगे ना? क्या हम सरकार को आईना ना दिखाएं, सरकार से हम सवाल ना पूछें कि कमी क्यों है, क्यों लोग मर रहे हैं, आपकी इंतज़ाम क्या है? आप नहीं चाहते कि प्रमंडल वाइज COVID-19 के लिए डेडिकेटेड अस्पताल बने, तो क्या ये नेगेटिव है? लोगों का जान बचे तो क्या ये नेगेटिव है? लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो, ट्रेस हो बीमारी, तो क्या ये नेगेटिव है? हमको तो कहीं नेगेटिविटी नहीं नज़र आ। अरे, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है सत्ता का नशा इन पे चढ़ा हुआ है, वही बोल रहा है। देखिए, सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है और वही बोल रहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है, NDA का चिराग भले ही उन्हें उजाला दे रहा हो, प्रकाश दे रहा हो, लेकिन क्या उस प्रकाश में NDA रहना नहीं चाहती है, बड़ा सवाल है। लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम ग्रुप फॉलो करें। धन्यवाद।